हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर, आपका बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा विद फ्राकर। पिछले क्लास में मैंने स्टडी किया था आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 के, आपको मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन, उसमें आपको 2.2 का कितने क्वेश्चन सोल्व किया था, आपको 2.2 का 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका था। तो पिछले क्लास वाला वीडियो नहीं देखे, इस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन से सोल्यूशन। तो अगर पिछले क्लास में नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट द फंक्शन टैन इनवर्स रूट अंडर 1+x²-1/x, जहां x=0 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि जो फंक्शन दिया है आपको टैन इनवर्स के साथ, इसको कह रहा है कि इसका छोटा सा रूप ज्ञात करें, संक्षिप्त रूप ज्ञात करें। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त रूप, छोटा सा रूप, इसको क्या करें, ज्ञात करें। तो कैसे सोल्यूशन करेंगे, मानेंगे हम, मानेंगे लेफ्ट एक्स बराबर टैन थीटा, एक्स बराबर क्या माना हमने, टैन थीटा, एक्स बराबर टैन थीटा माना, तो थीटा बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, एक्स बराबर क्या माना, टैन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, टैन इनवर्स एक्स। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, इसलिए टैन इनवर्स रूट अंडर 1+, और इस एक्स जगह पर क्या मानेंगे, टैन थीटा स्क्वायर है तो हो गया टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर है -1, यहाँ पर क्या है, एक्स जगह क्या लिखेंगे, टैन थीटा। क्लियर, एक्स जगह पर हमने क्या लिखा, टैन थीटा लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे टैन इनवर्स, ठीक है, रूट अंडर और 1+tan²θ, रूट अंडर 1+tan²θ क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे होता है sec²θ - tan²θ बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे sec²θ 1+tan²θ, ठीक है, 1+ क्या आ गया, tan²θ, और यहाँ पर sec θ निकालेंगे, sec θ यानी sec²θ, यहाँ से आपको आ जाएगा sec²θ, यहाँ हो गया sec²θ। ठीक है, यहाँ हो गया -1/tan θ। क्लियर, अब यहाँ से सबसे कहेंगे हो गया आपको टैन इनवर्स और रूट अंडर sec²θ, रूट हटेगा तो हो जाएगा sec θ, क्या होगा, sec θ -1/tan θ। क्लियर, अब फिर टैन इनवर्स और sec θ का मतलब क्या होता है, 1/cos θ। ठीक है, -1, और यहाँ पर tan θ का मतलब क्या होता है, sin θ/cos θ। क्लियर, टैन इनवर्स sec θ क्या हो गया, 1/cos θ, -1 यहाँ पर sin θ/cos θ। क्लियर, अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा टैन इनवर्स, ये जाके एलसीएम और 1-cos θ/cos θ और मल्टीपल, और यह cos ऊपर हो जाएगा, cos θ ऊपर हो गया, sin θ नीचे हो गया। ठीक है, यानी फाइनल आपका डिसीजन मिल रहा है, एक cos कट गया। ठीक है, तो हो गया tan इनवर्स और यहाँ हो गया 1-cos θ बटा हो गया sin θ, क्या हो गया, tan इनवर्स 1-cos θ बटा क्या हो गया, sin θ। क्लियर, अब इसको हम आगे चलते हैं, हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 1-, ठीक है, 1-, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, cos²θ लगा लेते हैं। ठीक है, cos²θ लगा लेते हैं, और यहाँ पर हो गया cos²θ, और यहाँ पर हो गया sin θ, ये हो जाएगा यहाँ पर sin²θ, ऐसे आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है,
या तो अगर टेन इनवर्स वन माइनस कॉस टू थीटा, और यहाँ पर भी कर देते हैं साइन टू थीटा बटा दो, क्योंकि यहाँ पर टू लगाया तो आधा कर दिया, टू लगाया तो आधा कर लिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यानी यहाँ से हो गया आपको टेन इनवर्स, क्लियर, यहाँ हो गया टेन इनवर्स, और ये हो गया वन माइनस, ठीक है। और कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूला आता है, एक होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर वन हो गया और यहाँ पर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया थीटा बटा दो, क्लियर। यहाँ पे साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का आप फॉर्मूला जानते होंगे, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो गया टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि थीटा आधा है तो आधा लिखा जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से चलते हैं, हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर वन माइनस, और ये हो गया वन, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा बटा दो, क्लियर। यहाँ हो गया टू साइन थीटा बटा दो प्लस थीटा बटा दो, क्लियर। यहाँ पर देखेंगे हो गया टेन इनवर्स, ठीक है, यह वन वन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपको सिर्फ टू साइन स्क्वायर थीटा बटा दो, नीचे बचा आपका टू साइन थीटा बटा दो कॉस थीटा बटा दो, क्लियर। इससे एक कट जाएगा, ठीक है, एक बचेगा टेन स्क्वायर, और दो एक फंसा है तो एक से कट गया तो बच गया आपको टू, कट गया बच गया आपको खाली साइन थीटा बटा दो, यहाँ पर बच गया कॉस थीटा बटा दो, क्लियर। यहाँ पर हो गया साइन थीटा बटा दो, यहाँ पर बचा आपको कॉस थीटा बटा दो, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स, और साइन थीटा बटा दो कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा बटा दो, टेन टेन इनवर्स कैंसिल, बचा आपका थीटा बटा दो, और थीटा क्या था आपको माना गया था कि एक से बराबर माना गया था टेन थीटा, और थीटा बराबर आपका आया था टेन इनवर्स एक्स आया था, तो यहाँ हो गया एक बटा दो, और थीटा का नाम हो गया टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, यानी तो हो गया आंसर इसका वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स, वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। इस तरह आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सिक्स नंबर कह रहा है कि राइट द फंक्शन टेन इनवर्स, ठीक है, वन बटा रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस वन, जहां एक्स इज इक्वल टू वेयर मॉड एक्स ग्रेटर वन इन द सिंपलेस्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बोला है सेम क्वेश्चन वही है, और क्वेश्चन को क्या करना है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, यानी कि ऐसा फंक्शन हमको मानना है एक्स जब पर एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखना है कि यह रूट क्या हो जाए, गायब हो जाए, ठीक है। इस एक्स जगह पर ऐसा एक फंक्शन लिखना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या रूट क्या है, गायब हो जाए, तो हमको क्या लिखा जाएगा, लिखेंगे लेट एक्स बराबर कोसेक थीटा, क्लियर। तो थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। हमने क्या बोला, लेट एक्स बराबर कोसेक थीटा, तो थीटा बराबर क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स। अब यहां पर हम लिखेंगे नाउ टैन इनवर्स वन बाय रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस वन,
टैन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर इस x जब क्या रखेंगे x पर रखेंगे cosec थीटा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ठीक है क्या हो गया टैन इनवर्स क्या को 1 हो गया और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है देखेंगे फार्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 ठीक है यहां पर हम क्या जानते हैं cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्लियर cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहां पर क्या हो जाएगा रूट अंडर cot स्क्वायर थीटा ठीक है ये हो गया tan इनवर्स और 1 बाय रूट में है रूट में है तो आपको रूट क्या आ जाएगा गायब हो जाएगा cot थीटा ये कट जाएगा रूट को ठीक है यहां पर गया tan इनवर्स और 1 बाय cot 1 बाय cot यानी cot का अपोजिट तो 1 बाय cot मतलब क्या होता है tan थीटा tan tan इससेंसी मतलब थीटा और थीटा का मतलब क्या हो गया आपको cosec इनवर्स x तो ये हो गया cosec इनवर्स x ठीक है इस तरह आप क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स में जैसे बताएं वीडियो आपको कैसा लगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे